परचेज सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? नाम लग रहा है हायर मतलब किराया, परचेज मतलब खरीदना, सिस्टम मतलब पद्धति की। इसके लिए इसका हिंदी होता है किराया क्रय पद्धति। ठीक है, आप समझो यहां पर ध्यान से, होता क्या है इसमें? तो देख रहे आजकल तुम ही लोग कितना मोबाइल, टीवी, सामान, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कुछ फिक्स एसेट्स भी सब इंस्टॉलमेंट पे देता है, देता है कि नहीं देता है? तो वही चीज कहलाता है हायर परचेज। तो वही चीज देखो लिखा हुआ है, अंडर द हायर परचेज सिस्टम, इस सिस्टम के अंतर्गत गुड्स आर डिलीवर, गुड्स को गुड्स डिलीवर किया जाता है, मतलब बेचा जाता है, दिया जाता है, सुपुर्द किया जाता है। किसको? एक आदमी को, जो कि जो एग्री करता है कि हम जो पैसा है ना वो हम क्या करेंगे, एक समय के अनुसार इंस्टॉलमेंट में देंगे, जैसे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जैसे भी देगा, क्या देगा? इंस्टॉलमेंट, किस्त में देगा वो। ठीक है, तो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जो गुड्स डिलीवर किया जाता है किसी आदमी को, बोलता है कि हम जो भी इसका पैसा होगा हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे। ठीक है, सच इंस्टॉलमेंट आर टू बी ट्रीटेड एज हायर। लेकिन इसमें हायर परचेज सिस्टम में एक खराबी क्या है कि जो हम लोग इंस्टॉलमेंट देंगे वो भाड़ा के तौर पे गिनेगा। किसके तौर पे गिनेगा? भाड़ा। क्यों? क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट, इसका रूल है हायर परचेज सिस्टम का, लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर हम लोग पेमेंट कर देंगे उसके बाद ओनरशिप हम लोग के पास आएगा। जब तक हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करेंगे ओनरशिप किसके पास रहेगा? कंपनी के पास ही, जो तुमको फाइनेंस किया उसी के पास रहेगा। तो लिख दिया है ना कि जब तक एक सर्टेन निश्चित अमाउंट जब तक पेड नहीं होगा, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट बोलो ना, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं होगा, व्हेन दीज गुड्स बिकम प्रॉपरली ऑफ द हायर, तब तक ये मान के चला जाएगा ये प्रॉपर्टी भाड़ा पर है। ठीक है, तो मतलब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देंगे तब हम लोग समझेंगे सामान हम लोग का हुआ। तो हायर परचेज सिस्टम मतलब क्या होता है? सामान को इंस्टॉलमेंट पे लेना, मालिक को धीरे 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 करके सामान पैसा क्या करना, देना इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे, मतलब फिक्स अमाउंट। मान लो 5,000 रुपये प्रत्येक महीना दे रहे, तो 5,000 5,000 5,000 देते रहेंगे जब तक क्लियर वो एग्रीमेंट एक तैयार होता है कैसे कैसे देना है। ठीक है, जब हम लोग साइन करते हैं ना, तो हम लोग तो कोई चीज लेते हैं उसमें नया गाड़ी नया सामान लेने के चक्कर में पूरा धुन में रहते हैं, हाँ दे लीजिए साइन कीजिए, जितना 10-20 को कागज में सब में तुरंत साइन मार देते हैं। तो हम लोग को लेने का उसमें रहता है, तो एग्रीमेंट रहता है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि अगर टाइम से पैसा नहीं दिया तो गाड़ी वापस ले लेंगे, ये चार्ज लेंगे, वो चार्ज लेंगे। लेकिन हम लोग तो कभी पढ़ते हैं नहीं, ले हम लोग को नया गाड़ी लेना है तुरंत, तो साइन साइन यहाँ कीजिए वहाँ कीजिए, टिक लगा देता है, हम लोग साइन कर देते हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट बनता है। और जो बेचता है उसको याद रखना हायर वेंडर बोला जाता है, जो सामान को बेचता है उसको क्या बोला जाता है? हायर वेंडर। जो खरीदता है वो हायर परचेजर। तो हायर वेंडर मतलब बेचने वाला, और हायर परचेजर मतलब खरीदने वाला। क्लियर? अब यहां समझो इसका फीचर, ये समझो, एक तरह समझो तुम उधार खरीद रही है और बेच रही है, क्योंकि हम लोग का सामान तो हो नहीं रहा है, जब तक हम पैसा उधार से पर ट्रीटेड किया, तो उधार में तो क्या होता है सामान तेरा हो जाता है तुरंत, लेकिन माना जाता है कि हम उधार बेच रहे हैं। इसमें एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, इसमें हायर परचेज प्राइस हमेशा ज्यादा रहता है कैश प्राइस से। क्यों? इंटरेस्ट पता है ना, इंटरेस्ट पर देगा। मान लो हम 5 साल बाद पैसा देंगे या 10 इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो उसका क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो हमेशा हायर परचेज प्राइस ज्यादा रहेगा, कैश प्राइस मतलब अगर नगद खरीदते तो क्या रहेगा? कम रहेगा। इस इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज हायर, जितना भी हम लोग इंस्टॉलमेंट भाड़ा के रूप में इसको ट्रीट होगा। द ओनरशिप इज ट्रांसफर, ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगा जब इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा? पेड। लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाएगा तब समझ जाएंगे कि सामान हम लोग का हो गया। ठीक है, ओनरशिप क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। इतना लिखो फिर आगे थ्योरी थोड़ा सा और लिखाते हैं। जैसे हायर परचेज, हायर परचेजर क्या हुआ बता? हायर परचेजर मतलब जो सामान को खरीदता है इंस्टॉलमेंट पे, वो हो गया हायर परचेजर। हायर सेल्स कौन हो गया? जो सामान को क्या करता है? बेचता है। कैश प्राइस अगर हम लोग हायर परचेज सिस्टम पे नहीं खरीदते, नगद खरीदते, तो क्या एंट्री होता? हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस मतलब क्या होता है? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। कैश प्राइस प्लस, कैश प्राइस मतलब जितना हम लोग नगद खरीदते प्लस जितना इंटरेस्ट दिए, दोनों को जोड़ देंगे ना, तो हम लोग का हायर परचेज प्राइस आ गया। जैसे मान के चलो हम लोग नगद खरीदते तो 10,000 लगता, लेकिन हम लोग इंस्टॉलमेंट पे खरीदे तो 3,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो जो 13,000 हुआ ना, जो कितना हुआ? 13,000 जो हम लोग का, वो हायर परचेज प्राइस हुआ।
ये इंटरेस्ट हो गया, कैश प्राइस हो गया। उसके बाद क्या लिख रहा है, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट हमेशा याद रखना, लगभग सब क्वेश्चन में रहेगा। डाउन पेमेंट का मतलब होता है द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेजर। जो अमाउंट हम लोग खरीदते हैं सामान, उसमें जो अमाउंट पेड कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले सुनो यहां पर ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे पूरा चैप्टर में, ठीक है, पूरा चैप्टर में मिलेगा। फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक हम लोग का यही रहेगा। और ये टेबल समझ गया समझना, बाकी सिर्फ एंट्री और अकाउंट है, एंट्री और अकाउंट है। तो समझो यार ध्यान से, सबसे पहला क्या लिखना है, ईयर लिख दिया यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पहले फर्स्ट ईयर लिख देते हैं क्या, जब ईयर नहीं दिया तो क्या लिख देते हैं, फर्स्ट लिखते हैं। यहाँ सबसे पहला स्टेप यहाँ कैश प्राइस लिखना, क्या लिखेंगे, कैश प्राइस। कैलकुलेटर है कहीं, ठीक है, यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश प्राइस। उसके बाद देखो यहाँ पर सब सेकेंड स्टेप में तुरंत डाउन पेमेंट को माइनस कर देंगे। डाउन पेमेंट मतलब तुरंत जो दिए, कितना दिए, 7500 माइनस करो, 28000 में से 7500 चल गया, तो कितना बचा, तो ये हम लोग का डाउन पेमेंट हो गया। क्या हो गया, इसमें कोई इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है, ठीक है, इसमें कोई इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ो, इंटरेस्ट कितना पर लगेगा, 20000। दो सिंपल से सोचो, तेरा टोटल प्राइस बाकी 28000, 7500 रुपये हम लोग दे दिए, कितना दे दिए, 7500 हम लोग दे दिए, तो कितना बचा, 20500। तो 20500 रुपये लगेगा हम लोग को इंटरेस्ट, कितना परसेंट, एकदम ध्यान से देखो, एक बार समझ में आ जाएगा ना, फिर बार बार रिपीट होगा वही बार बार, 1025। अब देखो यहाँ क्या करना, हम लोग कितना दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट, 7500 तीन बार करके दे रहे, कितना दे रहे, 7500 तीन बार। देखो निकालेंगे, 7500 दे रहे हैं, जिसमें से ये तुम्हारा हो गया इंस्टॉलमेंट, क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट प्राइस, ये क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट प्राइस। इंस्टॉलमेंट प्राइस में चल गया इंटरेस्ट चल गया, मतलब हम लोग सब मिलाकर 7500 दे रहे हैं, जिसमें से 7500 में से 10-25 हम लोग का इंटरेस्ट है, 10-25 क्या है, तो मात्र हम लोग 6475 रुपये हम लोग का कैश प्राइस होगा। मतलब इतना जो पैसा दे रहे हैं 7500, उसमें 1025 रुपये क्या जल चल जा रहा है इंटरेस्ट में, तो कैश प्राइस कितना बचा बताओ, 6475। तो 20500 में से 6475 माइनस होगा, अब बचेगा 14025। यहाँ तक फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, अब आ जाओ किस में, सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर पे कितना पर लगेगा इंटरेस्ट, देखो सब मिला 28000 था, 7500 दे दिए, इतना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इतना दे दिया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे इतना इंटरेस्ट पे लगेगा, 14025 का फिर कितना परसेंट, सूद ब्याज का काम सब करता है ना, मूलधन में मूलधन माइनस होता है, ब्याज मूलधन अलग होता है, ब्याज क्या होता है अलग। हम लोग 7500 दे रहे हैं, उसमें ब्याज भी तो शामिल है, तो मूलधन में इतना ही माइनस होगा प्रिंसिपल में, 14025 का 5%। फिर देखो 701.25 रुपया आ रहा था, हमने ये 25 पैसा भी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर, फिर हम लोग 7500 रुपया देंगे, जिसमें से 701 रुपये, देखो इंटरेस्ट घटते जा रहा है जैसे जैसे पैसा देते चले जा रहे हैं, 7500 में फिर 701 रुपये चल गया। अब हम लोग का 6799 रुपये लगेगा। फिर यहाँ देखो कैश प्राइस में कैश प्राइस माइनस करेंगे, ये कैश प्राइस है ना, 6799 रुपये, ठीक। तो क्या करना है, हम लोग स्टेप कैसे याद रखेंगे कि सबसे पहले लिखना है कि टोटल हायर परचेज प्राइस, उसमें से डाउन पेमेंट को माइनस कर देना है, फिर जो बचेगा उसमें इंटरेस्ट निकालते चल जाएंगे, फिर जो पैसा देगा उसमें इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, जो बचेगा कैश प्राइस को यहाँ पर माइनस करेंगे। फिर देखो सेकेंड ईयर इतना पे लगा, फिर देखो अब थर्ड ईयर कितना पे लगेगा, 14025 माइनस 6799, अब हम लोग का 7226 रुपये बचा, कितना बचा, अब थर्ड ईयर हम लोग का इतना पर ही लगेगा। यानी एक बात याद रखना, जैसे थर्ड ईयर निकालना नहीं 5%, थर्ड ईयर हम लोग को पता है कितना दे रहे हैं, 7500 दे रहे हैं ना, तो देखो थर्ड ईयर निकालने की जरूरत नहीं है, 7500 रुपये हम लोग को दिए, जिसमें से बाकी कितना था, तो कभी भी लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना नहीं, लास्ट इंस्टॉलमेंट इसी तरह माइनस कर देना, 4 रहेगा 4 इस तरह करना, 5 रहेगा 5वां इस तरह करना, 4 को निकाल देना,
माइनस 274 रुपये, 200 फिर देखो हम लोग 7500 दे रहे हैं ना, जिसमें से 274 रुपये चल गया, अच्छा से लिख देते सजा के। 274 हम लोग आ रहा है 7226, 7226 ठीक है, नील हो गया ना। इंटरेस्ट जोड़ना है तो जोड़ सकती है, ठीक है टोटल इंटरेस्ट जोड़ भी, जोड़ के लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले फिर से दोबारा समझ लो एक बार कि सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, जितना का हायर परचेज प्राइस रहेगा डाउन पेमेंट माइनस कर देना, फिर जो बचेगा पहला साल इंटरेस्ट निकलेगा, और पहला साल ही एक साल समझेगी, बाकी साल अपने समझ में आ जाएगा। पहला साल जितना इंस्टॉलमेंट रहेगा उसमें इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो क्या बचेगा, कैश प्राइस, और कैश प्राइस को उठा के यहाँ माइनस करना है, फिर जो बचेगा सेकेंड ईयर निकालेंगे, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस, फिर कैश प्राइस माइनस, इस तरह चलते रहेगा कंटिन्यू। सिर्फ लास्ट ईयर याद रखना है कि माइनस कर देना है जितना देंगे, ठीक है लिख लो।